इतने मास्टर प्लान ले आई पिछली सरकार गुड़गांव के लिए, लेकिन उन्होंने प्राकृतिक भाव का कहीं ध्यान नहीं रखा और हर जगह लाइसेंस दे दिए, उस पे प्राकृतिक भाव पे निर्माण हो गए। बारिश का पानी तो झील में आके रुकेगा, इसलिए ये झील का एरिया ही था जहाँ ये हीरो होंडा चौक पे पानी भरा है। ये कारण है पिछली सरकार का ज़बरदस्ती बगैर देखे बगैर प्लान के जो लाइसेंस दिए गए उसके हिसाब से। अगर प्राकृतिक बहावों को बचाया जाता, उनकी देखभाल की जाती और हुड्डा डिपार्टमेंट ये देखता कि प्राकृतिक बहाव कहाँ जा रहे हैं, उसका पानी कहाँ निकलेगा, इस चीज़ का इनमें ध्यान ही नहीं दिया गया। सिर्फ CLU ली, पैसे लिए, जेब में रखे और चले गए, इसलिए गुड़गांव का बुरा हाल हुआ है। द्वारका बीच प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, पेड़ लगाने की तो आप परमिशन दे रहे हो, इसकी परमिशन कहाँ है? देखिए, ब्लेम तो करना चाहिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, जिन्होंने अपना काम नहीं किया। जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो पानी जाएगा कैसे? और जितनी बरसात हुई है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता गुड़गांव को कभी भी। अभी जब आपकी स्टॉर्म वाटर मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के अंदर पंपिंग हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि इसके डिफेक्ट्स तो अपने आप प्रूव हो रहे हैं। सरकार उसको डिफेंड कैसे कर सकती है? जो कमी आप उसको मानिए उसको ठीक कीजिए। कचरा भरा पड़ा है आपकी स्टॉर्म वाटर ड्रेन के सामने जहाँ से खुली हुई है, रोड का पानी आ रहा है उसके अंदर और उसको पंप करके आप डाल रहे हैं, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपकी कमी नहीं थी? हम हमारी हाईवे का सिस्टम जरूर प्लान कर रहे हैं, हमारी हाईवे के साथ हम ड्रेनेज सिस्टम भी कर रहे हैं और हुड्डा जो हमारा NHAI है हीरो होंडा चौक पे हम फ्लाई ओवर बना रहे हैं। अब तो सारी ट्रैफिक नीचे से चल रही है, फिर मेन ट्रैफिक जो दिल्ली से जयपुर जा रही है वो तो हाईवे पे फ्लाई ओवर के ऊपर से निकल जाएगी, तो मेन ट्रैफिक को प्रॉब्लम नहीं है। क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है कब तक लोगों को ये फ्लाई ओवर की सुविधा मिल जाएगी? ये तो हमारा 6-7 महीने में, अदरवाइज टाइम तय करने की जरूरत नहीं बन जाएगा। ये तो एक सुगंधा रेस्टोरेंट की थोड़ी सी हमें लैंड भी चाहिए जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने देनी थी, उसने हाईकोर्ट से स्टे ली हुई है, तो स्टे वेकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करके उसको प्रस्यू कर रहे हैं कि वो मिल जाए लैंड।